दोस्तों कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे Moto G60 के फ्रंट कैमरे से ही देख रहे हैं। एंड आपको मैं यहाँ पर क्वालिटी दिखा देता हूँ भाई, कैसे रहने वाली है इस कैमरे की। अभी इंडोर लाइटिंग कंडीशन में खाली एक बल्ब जला हुआ है, आप देख सकते हैं भाई। एंड उसमें कैसी क्वालिटी रह रही है आपको साफ साफ दिख रहा होगा। एंड दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है भाई कैमराज की जो वीडियोज़ होती है उसमें बनाने के लिए। एंड जो कुछ और डाउट्स है दोस्तों दूसरी वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। एंड मेरे पास दोस्तों ये दो स्मार्टफोन है, Moto G60 एक मेरा भाई यूज़ करता है, एक मैं पर्सनली अभी फ़िलहाल। एंड मेरे पास गूगल पिक्सल का भी एक फ़ोन है, जो कि मैं सिर्फ खाली यहाँ पर वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ और फ़ोटोज़ लेने के लिए। तो फटाफट से दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा कैसे यहाँ पर वर्क करता है। तो दोस्तों ये वाली वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस टाइम EIS मैंने ऑफ कर रखा है एंड जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको दिख रही होगी, काफ़ी यहाँ पर सही आपको देखने को मिल जाती है फ्रंट कैमरा से। यहाँ पर Full HD में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 फ्रेम पर सेकंड पर। एंड जो डायनेमिक रेंज है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों इसके बाद मैंने यहाँ पर EIS इसका ऑन कर दिया है। एंड दोस्तों अब आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी इसकी कितनी सही है। एंड अभी मैं यहाँ पर दोस्तों बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर डायनेमिक रेंज है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर फ़ोटोज़ की, तो फ़ोटोज़ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ये यहाँ पर निकालता है। डायनामिक रेंज आप पीछे तक देखें तो भाई बड़ी सही देखने को मिल जाती है। तो पीछे आपको आसमान नीला देखने को मिल रहा होगा। एंड आप दोस्तों देख सकते हैं कि पेड़ भी यहाँ पर नज़र आपको आ रहे हैं। इसके बाद अगर इंडोर शॉट की बात करूँ नाइट में, तो भाई नाइट में कुछ इस तरीके के इंडोर शॉट आप यहाँ पर निकाल सकते हो। थोड़ी डिटेल्स में आपको दिख रहा होगा भाई थोड़ी सी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। फिर दोस्तों अगर आप HDR ऑन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आपको क्वालिटी देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर उसके बाद हम बात करें नाइट की, तो नाइट में दोस्तों अगर थोड़ी बहुत लाइट है तो आपको काफ़ी अच्छी फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज़ दोस्तों नाइट में भाई अगर लाइट नहीं है तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके की क्वालिटी देखने को मिलेगी आपको। थोड़ा भी यहाँ पर फेस दिखाई दे तो देने वाला है नहीं है। तो भाई आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरे की क्वालिटी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको फ्लैश देखने को मिलती है, उसके बाद आप देख सकते हैं भाई फ्लैश के बाद तो थोड़ा बहुत यहाँ पर विजिबल है, लेकिन उतना भी नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर विजिबल हो जाता है। जब थोड़ी सी लाइट आ जाए भाई फिर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विजिबल आपको हो जाएगा। एंड साउंड क्वालिटी की बात भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। एंड आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड वीडियो को भी आप लाइक करिएगा। एंड चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।